हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल कैट मसाला में। आज मैं हाजिर हूं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने कैट मसाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो सकती है। और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है चैम्फर कमांड। ये एक मॉडिफाई पैनल का कमांड है, इसका शॉर्टकट होता है CHA Enter। और ये जो कमांड होती है हमारी मॉडिफाई के अंदर, ये जहां पर ये फिलेट दिख रहा है ये इसी के अंदर होती है। ये फिलेट, चैम्फर, ये दोनों हमारी कमांड एक ही जगह पर होती हैं। तो दोस्तों, चैम्फर कमांड का जो यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट के एजिस को, मतलब कॉर्नर को, किसी डिस्टेंस या एंगल देकर इंक्लाइंड लाइन में कन्वर्ट करना। और दोस्तों, हमारी ये चैम्फर कमांड भी फिलेट कमांड की तरह ही वर्क करती है। उसमें जो एजिस होता है वो कर्व शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर अभी तक आपने मेरी वो फिलेट कमांड की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए, आपके जो भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि ये चैम्फर कमांड जो है मॉडिफाई पैनल का कमांड है, तो हम चलते हैं मॉडिफाई पैनल पर। ये हम मॉडिफाई पैनल पर गए, ये फिलेट कमांड है, इसके अंदर एक और है चैम्फर, इसका शॉर्टकट होता है CHA। आप ये इसके शॉर्टकट बटन से भी कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप CHA एंटर करेंगे तो सबसे ऊपर ये चैम्फर आ रहा है, या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर सिंपल एंटर दे दीजिए। इस तरह से हमारी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। और इस कमांड में जो फीचर्स, कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि फिलेट कमांड के अंदर भी थे ये सेम फीचर, पॉली लाइन, अंडो, डिस्टेंस। इसमें क्या है, फिलेट कमांड के अंदर डिस्टेंस नहीं था, उसमें एंगल भी नहीं था, और बाकी ट्रेन ये मल्टीप्लाई तो उसमें भी थे। तो इसमें जो चेंजेस है फिलेट कमांड के कंपेयर में, वहां रेडियस देते थे, यहाँ पर डिस्टेंस और एंगल पर हमें वर्क करना है। तो कैसे इन पर वर्क होगा तो देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ बना लिया, यहाँ पर इस तरह से। अब मुझे क्या देना होगा, अब मैं देता हूँ CHA Enter। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले देनी होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें कितनी देनी है, चैम्फर होगा हमारा वो कितना, हमारी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी उस चैम्फर की। तो हमने क्लिक कर दिया डिस्टेंस पर। अब यहाँ पर पूछ रहा है डिस्टेंस, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस कितनी है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं इसको 8। ठीक है, अब ये पूछ रहा है सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस कितनी है, 8। इसमें ऑटोमेटिक आ गया तो हम उसी को एंटर कर देंगे। अब हमें कुछ नहीं है, अपनी हमें लाइन पर सिलेक्ट करना है। इस तरह से हमें तो अगेन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए एंटर देना होगा, एंटर इस तरह से। ये हमारा 8 mm का चैम्फर इसके सारे कॉर्नर पर लग गया है। क्लियर है दोस्तों। अब अगेन देख लीजिए, ये मैंने बनाया अगेन रेक्टेंगल, अगेन देते हैं CHA Enter। इस बार डिस्टेंस अगर हम कुछ छोटी बड़ी करके देखते हैं, देते हैं 6, और इस बार ये देते हैं 4, तो तब कैसा बनेगा। ये हमने दिया, तो जो पहले हमने डिस्टेंस दी थी उसने वो तो 6 ले ली, और जो हमने बाद में दी थी, हमारा x हमेशा पहले आता है x कोऑर्डिनेट, तो x ने हमारा 6 लिया, जो बाद में दी थी हमने वो उसने y लिया, तो y में हमारी 4 गई है और x में गई है हमारी 6। इस तरह से जो पहले ले रहा है उसे वो 6 जा रहा है, बाद वाले को वो 4 जा रहा है। क्लियर है दोस्तों। और तो जैसे कि मैं इसमें दिखा भी देता हूँ, मैंने इसमें 8 दिया था, तो 8 है या नहीं मैं DLI से करके दिखाता हूँ। ये देखिए, क्लियर है दोस्तों। चलिए अगेन चलते हैं, ये मैंने एक और रेक्टेंगल दिया, अब देता हूँ मैं CHA Enter। इस बार हम देते हैं एंगल, एंगल से कैसे चैम्फर लगता है वो देख लीजिए। तो ये सबसे पहले पूछ रहा है लेंथ, जो हमारे चैम्फर की लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो मैं इसको लेंथ दे देता हूँ 5 दे दी मैंने इसको लेंथ। अब ये पूछ रहा है चैम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, तो मैं इसको एंगल देता हूं 45 का, मैं इसको सॉरी 30 ले लेता, 30 का मैंने इसको एंगल दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेम पहले की जैसे ही लाइन सेलेक्ट करनी है हमें। ये हमारी लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी, ये हमारी सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमने जो एंगल दिया था 30 और जो हमारी लेंथ थी वो कैसे है? तो गाइस, मैं ये अगेन छोटी सी एक लाइन लगा देता हूँ, और यहाँ मैं DAN डिम एंगुलर से ये एंगल को चेक करके दिखा देता हूँ।
कि हमारा कितना। तो ये देखिए गाइस, 30 का एंगल हो गया और जो हमारी डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस हमारी 5। क्लियर है दोस्तों। अगेन इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं। रेक्टेंगल ये दिया मैंने चैम्फर और एंगल पर गए, इस बार डिस्टेंस को कर देते हैं 8 और जो एंगल है को उसको कर देते हैं 45। तो देन क्लिक, इस तरह से देख लेते हैं एक बार इसको भी। हमने दी ये लाइन DAN एंगुलर, इस तरह से हमारा ये 45 का हमारा लग गया। 8 की हमने दी थी, हमारे ये भी 8 हो गई। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने दिया रेक्टेंगल CHA एंटर। अब देखते हैं मेथड, ये मेथड में क्या है। ये मेथड पर हमने क्लिक किया, अब उसके अंदर वही चीजें बोल रहा है वो सेम, कि डिस्टेंस से करना है, एंगल से करना है। तो गाइस ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंगल भी दिखा चुके हैं हम, डिस्टेंस से भी दिखा चुके हैं। तो इसको एग्जिट करते हैं, अगेन कमांड में आते हैं। तो दोस्तों इसमें एक और ऑप्शन है ट्रिम का। ट्रिम का फंडा क्या है, तो दोस्तों जैसे कि फिलेट कमांड के अंदर भी ट्रिम था और ट्रिम और नो ट्रिम का उसके अंदर फीचर्स था, तो यहाँ पर कैसे वो फीचर्स वर्क करता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने क्लिक किया ट्रिम पर, अब ये पूछ रहा है ट्रिम नो ट्रिम। अभी तक तो जो था हमारा वो ट्रिम होता आ रहा था, ट्रिम पर क्लिक था। अब हम क्लिक कर देंगे नो ट्रिम पर, तो जो अब हम चैम्फर लगाएंगे वो चैम्फर तो हो जाएगा बट साथ के साथ ट्रिम नहीं होगा, यानी कि डिलीट नहीं होगा। तो कैसे वो देखते हैं। अब जैसे कि मैंने ये डिस्टेंस पर क्लिक किया, यहाँ पर 6 है ऑलरेडी, एंटर दिया मैंने, यहाँ पे 4 है, इसको भी मैं 6 ही ले लेता हूँ। तो ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, इस तरह से। क्लियर है दोस्तों। इस तरह से मेरा 6x6 का चैम्फर लग गया इस तरह से, और ये ट्रिम भी नहीं हुआ। और अगर मैं ट्रिम पर क्लिक कर देता तो ये ट्रिम हो जाता। दोस्तों अब देखते हैं ये मल्टीपल क्या करता है, मल्टीपल पे चले देख देते हैं। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, तो दोस्तों अगर कोई अदर डिस्टेंस का हमें चैम्फर लगाना है तो इसमें जो पहले वाली हमारी डिस्टेंस या फिर एंगल था उसको या तो हमें जीरो करना पड़ेगा या फिर जब हम पुट करेंगे तो उसी के साथ साथ हमें वो चेंज करना पड़ेगा। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, नहीं तो जो पहले उसमें डिस्टेंस या फिर एंगल डला होगा वही उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम देखते हैं मल्टीपल को, हमने क्लिक किया मल्टीपल पर और इस बार डिस्टेंस हम थोड़ी चेंज कर देते हैं। तो डिस्टेंस पर हमने क्लिक किया, इस बार ले लेते हैं हम डिस्टेंस 8, ठीक है दोस्तों, अगेन 8, ठीक है। और अब हम क्लिक करते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। तो दोस्तों ये देखिए मैं एंटर प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ना ही कमांड से बाहर जा रहा हूँ, और हमारी ऑटोमेटिक जो है उसी के अंदर हमारी कमांड वर्क करती जा रही है। तो यही मल्टीपल का जो मेन फंडा है वो यही है, देखिए फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। तो इसने सभी जो हमारे चैम्फर थे सेम डिस्टेंस के वो चारों कोनर पर लगा दिए हैं। तो यही इसका मेन बेनिफिट है। अगर हमें 2-4 सेम डिस्टेंस के सेम एंगल के हमें अगर चैम्फर लगाने हैं तो आप मल्टीपल का यूज कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। और अगर आप देखना चाहते हैं कि एंगल से कैसे वर्क करता है तो मैं आपको एंगल से भी दिखा देता हूँ। ये मैंने दिया एंगल पर क्लिक किया और डिस्टेंस को इस बार मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, यानी कि मैं कर देता हूँ इस बार 10, ठीक है। और ये एंगल बोल रहा है 45 भी रहने देता हूँ मैं। क्लियर दोस्तों। अब मेरी फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। अब गाइज ये कह रहे होंगे ये एंगल तो सेम ही आ रहे हैं कि 45, तो दोस्तों ये मैं आपको दिखा देता हूँ DLI से, ये 10 की ये हो गई, और जो इनका एंगल है DAN डिमेंगुलर से मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा 45 भी एंगल हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें एक चीज और दी है दोस्तों, पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन का कैसे क्या रोल है वो मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। पॉलीलाइन पे मैंने क्लिक किया, पॉलीलाइन के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी पॉलीलाइन होना चाहिए, मतलब पॉलीलाइन से बना हुआ होना चाहिए, यानी कि उसके जो एजेस हैं सारे कॉर्नर हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। वो क्या करता है वो आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा पॉलीलाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट था, सारी लाइन सारे वर्टेक्स इसके कनेक्टेड थे,
तो इसमें बस एक ही लाइन पर आप ले जाओगे और सारे कॉर्नर पर चैम्फर ये लगा देगा इस तरह से। और ये हमारा नो ट्रिम था, जो हमने ट्रिम का ऑप्शन था वो सिलेक्ट किया हुआ था नो ट्रिम, तो ये नो ट्रिम भी दिखा रहा है, हमारे ट्रिम भी नहीं कर रहा है जो अदर चैम्फर था। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से पॉली लाइन का ये बेनिफिट होता है, एक बार में सारे कॉर्नर पर लग जाता है। मल्टीपल में क्या होता है, हमें बार बार पुट करना पड़ता है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों को बताइए, और उनके भी अगर चैम्फर कमांड से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो शायद इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों हमारे ऐप भी और इंस्टा पर पेज हैं, आप उन्हें भी जाकर फॉलो कीजिए, वहां पर हमारी आने वाली वीडियो की अपकमिंग आपको मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।